लीजिए लड्डू खाइए। लड्डू, अरे वाह, क्या 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 मौका क्या है? हमारा क्लब यानी फर्स्ट माउंस क्लब ने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो प्लीज हैव। तालियां तालियां। थैंक यू थैंक यू। एक एक पर हां हां पूरा ले लीजिए। अरे वाह, तो घी वाले लड्डू, देसी घी शुद्ध। अरे वाह, बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू, और मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। 10 साल आपको और सारी मॉम्स को, लाखों मॉम्स जो आपके क्लब के साथ जुड़ी हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो एक काम करते हैं ना आज। हाँ। आप बताइए क्या काम करेंगे? आज हम घी के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रॉली पर चर्चा में हम अपनी रोजमर्रा की चीजों की बात करते हैं, उनके पीछे थोड़ा नॉलेज, थोड़े नुस्खे, थोड़ा अपनी जिंदगी को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। तो आज विनग्रीन्स की तरफ से ट्रॉली पर चर्चा हम घी की करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप शुरू कीजिए। आई थिंक मुझे तो पसंद है, बट आई थिंक बीच में घी का थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, बदनाम हो गया था, बट आई थिंक अब थोड़ा रिवाइवल हो रहा है, यू नो, इट्स ऑलमोस्ट नोन एज अ सुपर फूड, डोंट यू थिंक? आपको नहीं लगता कि इट्स काइंड ऑफ कम बैक? मतलब हमारे दादा दादी के जमाने में तो इट यूज टू बी क्वाइट, यू नो, पॉपुलर एंड इट वॉज पार्ट ऑफ अ कल्चर, बट बीच में इट वॉज एसोसिएटेड विद फैट और आई डोंट नो, बट अब आई थिंक इट्स कमिंग बैक। नहीं, बिल्कुल, घी घी नहीं है, घी एक कल्चरल सिंबल है हमारे यहाँ पे। घी की खुशबू, दूध मक्खन मलाई घी से भरा पूरा घर होना, दीज आर रिच सिंबल्स, एंड ऑब्वियसली ये हमेशा, बीच की नेगेटिविटी में थोड़ा छोड़ूं तो ये हमेशा हेल्दी और खुशहाल जिंदगी का सिंबल रहा है अपने यहाँ पे। पहले तो लोग खूब शान से रोज़ की जिंदगी में भी, और कोई ख़ास मौका हो, जैसे कि यस क्लब के 10 साल पूरे हुए हैं आपके, उस तरह का मौका हो तब तो दिल खोल के घी की बनी हुई मिठाइयाँ खाई जाती थी, और वो लाइफस्टाइल भी कुछ अलग होती थी, लोग हेल्दियर रहते थे, स्किन अच्छी होती, लंबा जीते थे, बाल अच्छे होते थे, स्किन अच्छी। अब वो कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफस्टाइल में भी कुछ पॉजिटिव रहा होगा, जिसके कारण से ये था, घी भी उसका एक हिस्सा है, समझिए। मेबी दैट्स ट्रू। एक्चुअली अब तो डाइटिशियंस भी कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ, यू नो, हैव प्योर घी, दे एनकरेज यू टू दैट, बट हाउ डू यू बाय, आई मीन हाउ डू यू नो, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ घीस जो अवेलेबल है? तो थोड़ा इस सब्जेक्ट में अंदर जाते हैं एक लेवल। तो हम घी ओवरऑल बोलते हैं, बट इस देश में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के घी होते हैं। अच्छा। जिसको हम देसी घी बोलते हैं वो नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटी है, वो बफेलो मिल्क से बनता है, भैंस के दूध से बनता है। वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर सबसे पॉपुलर घी होता है वो काऊ घी होता है, ये सुनहरा होता है, पीला होता है, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो सुनहरा काऊ घी होता है। And भैंस is whitish. Whitish, correct. अरे वाह। हाँ, तो और साउथ में कुक घी होता है। Okay. और ईस्ट में ब्राउनिश घी चलता है। Oh, okay. जैसे वहाँ का एक पुराना ब्रांड है झरना घी, वो वहाँ पे वो चलन है। तो सारे घी एक से नहीं होते, हर जगह का घी भी अलग अलग होता है, तो खाना भी बनता है, हर रीजन का बनता है, तो उसके घी को भी समझ के हम ट्यून करें, वो आप समझिए। बस फर्क ये है आजकल कि हम जैसे सुपरमार्केट वाला लोग इस सारे रीजन के घी को आपको हर शहर में अवेलेबल करा के देते हैं, ताकि आप किसी भी रीजन से हो, आप अपना अपना बिल्कुल पसंद वाला घी एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली घी इज कल्चरल, जैसे हमारी कंट्री में आई थिंक बिकॉज पूजा में भी यूज होता है, कुछ कुछ दवाइयों में, बोन्स के लिए या स्किन केयर के लिए यूज होता है, यू नो, बट हाउ, मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शुद्धता, बिकॉज आई थिंक इसीलिए वो शायद थोड़ा बीच में बदनाम हो गया था, बिकॉज यू नो हाउ प्योर वाज इट, वाज द प्रॉब्लम, तो वो शुद्धता, हाउ डू यू नो कि ये शुद्ध घी है या ये दिस इज अ गुड ब्रांड ऑफ घी? एक पीरियड था जब, बिल्कुल सही कहा कि आपने, कि एक पीरियड था जब ये मिलावट होना, एडल्ट्रेशन, ये सब लोगों के लिए चिंता की बॉदरेशन हो गई थी। अब तो ज्यादातर ब्रांडेड मिलता है, तो अगर आपने ब्रांडेड ब्रांड सही चुन लिया तो आपकी ये चिंता तो तकरीबन सॉल्व हो गई। अब आप अगर घी खरीद रहे हैं, स्पेशली आप देसी घी खरीद रहे हैं, तो वो महीन नहीं, वो दानेदार होना चाहिए। उसमें कोर्सनेस जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए, वो देख के आपको लेना चाहिए। And that shows कि वो प्योर है, मतलब। हाँ, वो अच्छा घी माना, अच्छा घी माना जाता है। ओके। बाकी तो अच्छा ब्रांड लेते हैं, लेबल सही पढ़ के लेते हैं, ये सब तो करना ही है। Correct. और आप जैसे मास्टर शेफ तो
सूंघ के भी पहचान सकते हैं, जैसे आप लड्डू लाए और मैंने देखा तो मेरा ये तो सूंघते ही पता चल गया कि ये तो देसी घी है। तो संभालना तो चाहिए, पर पहले के मुकाबले ये एडल्ट्रेशन वाला प्रॉब्लम आजकल काफी कम हो गया। ओके, सो इट्स अ सुपर फूड, अब तो इंटरनेशनली भी उसे क्या क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। सो इट्स नॉट ओनली आई गेस यूजफुल ऑल अराउंड इंडिया, बट आल्सो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ इट इज यू नो पीपल आर यूजिंग एंड रियलाइजिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ इट एंड यू नो। और जैसे आपने कहा हमारे यहाँ तो इबादत में होता है, पूजा में यूज होता है, बच्चों को खिलाया जाता है, स्किन केयर में होता है, तो जिंदगी के कई हिस्सों में और जिंदगी के सारे सेलिब्रेशंस में, खुशियों में और सेहत में घी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा आजकल है। तो मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने के हिसाब ट्यून में रखते हुए किसी भी फॉर्म में दो चम्मच अच्छे घी की आदत अपनी रोज़ की डाइट में डाल लेनी चाहिए। अब वो आप कर लीजिए तो मेरे ख्याल से कैसे भी यूज़ करें, मतलब पर दो चम्मच यूज़ करें, दो चम्मच किसी भी तरह से आपका आप उसको रोटी पे लगा के खाएंगे, खिचड़ी पे डाल के खाइए, खिचड़ी में डाल के खाइए, दाल में डाल के खाइए, ऐश कीजिए, तो आई थिंक खुश रहिए, यू नो हेल्दी रहिए इज व्हाट आई वुड से व्हेन इट कम्स टू घी। एंड इसी तरह से आप और हम सारी फर्स्ट मॉम के मॉम्स मिल के ट्रॉली पर चर्चा करते रहेंगे, एक एक चीज को उठा के हींग से हनी से हेयर कलर तक हर चीज को पिक करके इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जानेंगे। हाँ। अपनी जिंदगी को स्मार्टगिरी बनाएंगे और खुश रहेंगे। आप इतना सिंपली बताएंगे तो हम फटाफट सीख जाएंगे। चलिए बढ़िया, गुड फन, थैंक यू सो मच।